नमस्कार दोस्तों, कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमें घोड़े की नाल सूट कर रही है या नहीं कर रही है। इसका जवाब भी मैं आपको अपनी इस वीडियो में देने लगी हूँ। पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक करें। देखिए, अगर आप जैसे अपने घर में घोड़े की नाल लगाते हैं, आपने इसे यू की शेप में लगाया, यू की शेप में लगाना है इसे, यानी इसका मुँह ऊपर की तरफ होना चाहिए। जब आप इसे लगाते हैं तो आप 1 वीक, वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में ही पता चल जाता है, फिर भी आप इसे 1 वीक वॉच करें कि घर के माहौल में क्या फ़र्क आया है। कहीं घर में लड़ाई झगड़े तो नहीं बढ़ गए हैं, या कहीं कोई बिज़नेस में कोई नुकसान तो नहीं होने लगा है, कोई किसी तरह की बीमार तो नहीं है, कोई हो गया है एकदम से। अगर ऐसा कुछ होता है तो समझ जाइए कि घोड़े की नाल आपको सूट नहीं कर रही है। आपने ऐसे टाइम में क्या करना है, जब आप ये घोड़े की नाल देखें कि लगाई है और घर में नुकसान हो रहे हैं, तो आप घोड़े की नाल को उतार लें और उतार कर इसे उल्टा लगा दें। यानी अभी तक ये यू की शेप में ऊपर मुख खुला हुआ था, अब इसे उल्टा लगा कर इसका मुँह नीचे की तरफ कर दीजिए। ये काम आपने 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही करना है। इसके साथ साथ 1 हफ्ते के अंदर, जैसे शनिवार को आपने लगाई है और आप सोमवार मंगलवार तक आते आते आपको लगता है अरे ये सूट नहीं कर रही है, घर में कोई बीमार हो गया या घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, आप इसे फौरन उतारें, उतार कर इसे मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जिस शेप में आपने लगा रखी है उससे उल्टी शेप कर दीजिए। अब यहाँ जब आप उसको उल्टा शेप करेंगे तो आपने फिर यहाँ ध्यान देना है कि 2 दिन में मेरे घर में सब कुछ ठीक हो गया है, नहीं हुआ है। तब भी अगर आपको ये सूट नहीं कर रही है तो आप इसे उतार दें। बस इतना सा काम आपने करना है। और अगर ऐसे आपको लगता है कि इसको लगाने के बाद अचानक से कोई अच्छी खबर आ गई है, अरे कोई बिज़नेस में अनएक्सपेक्टेड सा प्रॉफिट हो गया है, कोई लाभ एकदम से हो गया है, समझिए आपको ये सूट कर रही है, फिर तो उसका कोई मतलब ही नहीं पड़ता कि आप इसे उतारेंगे। आप इसे इंजॉय करें, बिज़नेस बढ़ेगा आपका। उम्मीद है ये जानकारी भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। धन्यवाद।